हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, वेलकम यू ऑल टू आवर लर्निंग प्लेटफॉर्म मोल्डिंग माइंड्स। चलिए लेट्स स्टार्ट लर्निंग। टुडे आवर सब्जेक्ट इज इंग्लिश, वर्कशीट नंबर इज 13 एंड द डेट इज 9th November 2020। योर क्लास इज 7th। हेयर यू विल राइट योर नेम एंड हेयर यू विल राइट योर क्लास टीचर्स नेम। और जैसे आप जब आप नोटबुक में अपना होमवर्क करेंगे तब भी आपको सेम हेडिंग डालनी है। फर्स्ट यू हैव टू राइट योर सब्जेक्ट, देन वर्कशीट नंबर, देन डेट, then your class, then your name, and last then your class teacher's name। तो चलिए start करते हैं आज की worksheet। आज की worksheet में आप ये देख रहे होंगे, ये जो three child हैं, जो तीन बच्चे हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो बारिश में नाच रहे हैं, dance कर रहे हैं, enjoy कर रहे हैं। तो picture one क्या है? The given picture depicts which day? डेपिक्स माने टू शो, दिखाना, कि जो ये नीचे पिक्चर दी गई है ये किस दिन को शो कर रही, दिखा रही है। यहाँ पर आपको फिल करना है द पिक्चर डेपिक्स डैश रेनी और समर डे। तो बिल्कुल आसान, आप बता सकते हो द पिक्चर डेपिक्स शोज रेनी डे, द किड्स आर गेटिंग वेट एंड एन्जॉइंग द रेन। जो बच्चे हैं वो वेट, गीले हो रहे हैं और एन्जॉय कर रहे हैं, रेन में भीगते हुए, नाचते हुए, डांस करते हुए एंजॉय कर रहे हैं। आगे देखते हैं हमें क्या सीखने को मिलेगा। जो क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो एक्टिविटी नंबर सेकंड है, व्हाई डू यू लाइक रेनी सीजन, आपको रेनी सीजन क्यों पसंद है? आपको यहाँ पर जो कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं उन ऑप्शंस को चूज कर इस फिलिंग द ब्लैंक्स में आपको भरना है। आई लाइक रेनी सीजन बिकॉज, मुझे रेनी सीजन पसंद है क्योंकि। चूज एनी ऑफ द बिलो रीजन्स और राइट योर ओन। आप इन नीचे में से कोई भी एक रीजन चूज कर सकते हैं या अपना भी कोई रीजन, राइट योर ओन, अपना भी रीजन लिख सकते हैं। फर्स्ट इसमें दे रखा है इट इज़ फन टू प्ले इन द रेन, कि बारिश में खेलने में काफ़ी मज़ा आता है। वी एन्जॉय, वी मेक पेपर बोट्स एंड प्ले विद द अम्ब्रेला, हम पेपर बोट्स बनाते हैं बारिश में और अम्ब्रेला के साथ खेलते हैं, जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है। इट कम्स आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ हॉट समर, ये रीज़न भी बहुत अच्छा है कि हॉट समर के बाद, गर्मियों के दिनों के काफ़ी दिन बाद रेनी सीजन आता है। इट मेक्स एनवायरनमेंट कूलर, और क्या करती है बारिश, रेनी सीजन जो एनवायरनमेंट है, वो वातावरण है, उसको ठंडा कर देती है। गेटिंग वेट एंड होपिंग इन पडल्स मेक्स मी हैप्पी, कि भीग कर और होपिंग इज द साइनोनियम, सेम वर्ड फॉर जंपिंग, होपिंग मीन्स जंपिंग। कि पडल्स माने, जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है, स्मॉल पूल्स ऑफ वाटर, की छोटे छोटे जो पूल बन जाते हैं वाटर के, उनको क्या बोलते हैं, पडल्स। कि गीला होने से और जो पडल्स बनते हैं वाटर के, उसमें जंप करने से मुझे खुशी मिलती है, मुझे खुश मैं हो जाता हूँ या हो जाती हूँ। तो आप इसमें से कोई भी आपका जो रीज़न है वो इस सेकंड क्वेश्चन में आप फिल कर सकते हैं और उसका जवाब दे सकते हैं। थर्ड क्या है? थर्ड आपको क्या करना है, कंप्लीट द गिवन पैराग्राफ ऑन रेनी डे, रेनी सीजन बाय यूजिंग द हिंट्स गिवन बिलो। नीचे आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, उस किसके ऊपर, रेनी डे के ऊपर, रेनी सीजन के ऊपर, और आपको हिंट्स दी गई हैं फिलिंग द ब्लैंक्स में फिल करने के लिए। तो आपको पढ़ना है और उसे फिल करना है। आप क्या कर सकते हैं, एक बार खुद से करें, खुद से फिल करें, वीडियो को पॉज करें और फिर दोबारा से इस वीडियो के साथ अपने आंसर्स को मैच करें। इससे आप जो लर्निंग बाय डूइंग का जो प्रोसेस है उससे आप सीख पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। द रेनी डैश और मॉनसून सीजन स्टार्ट्स आफ्टर द डैश समर, कि जो रेनी, रेनी क्या आएगा यहाँ पर, इनमें से रेनकोट, फ्रेश सीजन, क्रॉप्स, तो क्या आएगा, रेनी सीजन। जो रेनी सीजन है या जो हम जिसे मानसून भी बोलते हैं, मानसून सीजन भी, स्टार्ट्स आफ्टर द डैश समर, किसके बाद, स्टार्ट आफ्टर द हॉट समर, किसके बाद, हॉट समर के बाद, गर्मियों के दिनों के बाद रेनी सीजन और मानसून आता है। इट कम्स इन द मंथ्स ऑफ जुलाई, अगस्त एंड सेप्टेम्बर, ये जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने में आता है। इट ब्रिंग्स डैश फ्रॉम समर हीट, ये क्या लेकर आता है, इट ब्रिंग्स
रिलीफ क्या लिख रहा है, रिलीफ ये वर्ड आ जाएगा, ये हमें आराम देता है समर हीट से, गर्मी के दिनों से। कूल विंड्स फ्रॉम द सी डैश रेन क्लाउड्स। अब यहाँ पर आप पढ़ोगे तो क्या मीनिंग बनेगा कि जो ठंडी जो हवाएं हैं जो सी से चलती हैं वो अपने साथ रेन क्लाउड बारिश के बादल लेकर आती हैं। तो लेकर आने की इंग्लिश हो जाएगी यहाँ पर, क्या आ जाएगी यहाँ पर, ब्रिंग। कूल विंड्स फ्रॉम द सी ब्रिंग रेन क्लाउड्स। वी यूज डैश एंड अम्ब्रेलास टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम द रेन। अगर आप दिमाग लगाएंगे तो आपको बगैर हिंट्स के भी आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं कि हम रेनकोट्स यूज़ करते हैं और अम्ब्रेला यूज़ करते हैं अपने आप को रेन से बारिश से बचाने के लिए। तो आंसर हो जाएगा इसका, वी यूज रेन कोट्स। द रेन डैश द ड्राइड लेक्स पॉन्ड्स वेल्स एंड डैश। जो रेन है वो क्या करती है, आप दिमाग लगाइए, ड्राइड माने सूखा, जो झील सूख जाती हैं, जो पॉन्ड्स तालाब जो कुएं वेल्स सूख जाते हैं उनमें क्या करती है वो वाटर पानी लेकर आती है, उनको फिल भर देती है। द रेन फिल्स क्या जाएगा, फिल्स फिल माने भर देना। द रेन फिल्स द ड्राइड लेक्स पॉन्ड्स वेल्स एंड रिवर्स। यहाँ पर क्या जाएगा, रिवर्स, कि जो रेन है वो ड्राइड लेक्स को पॉन्ड्स को वेल्स को रिवर्स को भर देती है पानी से। इट ब्रिंग्स वाटर फॉर, और आपको पता है कि किसान भी रेन का काफी वेट करते हैं। तो किसान क्या उगाते हैं, व्हाट दे ग्रो क्रॉप्स। वो क्या करते हैं, इट ब्रिंग्स वाटर फॉर क्रॉप्स, वो फसलों के लिए भी पानी लेकर आती है। द डैश एंड प्लांट्स लुक ग्रीन एंड डैश आफ्टर रेन। कि जो क्या है यहाँ पर, द ट्रीज, क्या ऑप्शन बच गया हमारे पास, द ट्रीज एंड प्लांट्स लुक ग्रीन, जो पेड़ और पौधे हैं वो ग्रीन दिखते हैं, एंड डैश आफ्टर रेन। यहाँ पर हमारे पास एक ही ऑप्शन बच गया, फ्रेश एंड फ्रेश आफ्टर रेन, कि बारिश के बाद वो बिल्कुल ग्रीन और फ्रेश दिखते हैं। आई प्ले विद पेपर बोट्स ऑन रेनी डेज, आई लाइक रेनी सीजन अलॉट। मुझे रेनी सीजन काफ़ी पसंद है। तो मैं दोबारा से इसको पूरा पढ़ता हूँ। द रेनी सीजन और मॉनसून सीजन स्टार्ट्स आफ्टर द हॉट समर। इट कम्स इन द मंथ ऑफ जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर। इट ब्रिंग्स क्या जाएगा, हाँ, इट ब्रिंग्स रिलीफ फ्रॉम समर हीट। कूल विंड्स फ्रॉम द सी ब्रिंग रेन क्लाउड्स। वी यूज रेनकोट्स एंड अम्ब्रेलास टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम द रेन फिल्स द ड्राइड लेक्स पॉन्ड्स वेल्स एंड रिवर्स। इट ब्रिंग्स वाटर फॉर क्रॉप्स। द ट्रीज एंड प्लांट्स लुक ग्रीन एंड फ्रेश आफ्टर रेन। आई प्ले विद पेपर बोट्स ऑन रेनी सीजन लाइक रेनी सीजन अलॉट। और यहाँ जैसे यहाँ पर हमने कंप्लीट कर चुके हैं इसको, और लास्ट में आपको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कैब मैसेज इसको बोलते हो वो क्या है, वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली। नियमित रूप से अपने हाथों को पानी और साबुन से धोते रहिए और कोविड-19 से बचे रहिए, जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है। तो यहाँ पर हमारी जो वर्कशीट ख़त्म होती है, अगर आपको पिछली वर्कशीट की वीडियो देखनी तो यू कैन वॉच इट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हो। एंड यू कैन ऑल्सो डाउनलोड द PDF ऑफ दिस वर्कशीट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल, शेयर विद फ्रेंड्स एंड कीप वॉचिंग एंड सपोर्टिंग आवर चैनल मोल्डिंग माइंड्स। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में।